सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहरसा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने कुख्यात अपराधी मुकेश यादव और 3 अन्य अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक चोर को अनुमंडल कार्यालय परिसर से चोरी की गाड़ी समेत गिरफ्तार किया है। पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक लिपी सिंह ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि कोसी दियारा क्षेत्र का कुख्यात अपराधी मुकेश यादव कोसी तटबंध पर हथियार तस्करी के लिए पहुंचा है। सूचना के तुरंत बाद सलखुआ थाना, बलवा थाना और कनेरिया ओपी की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 3 देसी कट्टा व 9 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर सूचना मिली कि दियारा इलाके का कुख्यात मुकेश यादव कोसी तटबंध पर कुछ आम तस्करी के लिए आया हुआ है। थानाध्यक्ष सलखुआ, बलवा हाट और कनेरिया ओपी के द्वारा संयुक्त छापामारी की गई। अभियुक्त पुलिस को देख करके घेराबंदी के बाद भागने लगा, उसके बाद उसको खदेड़ करके पकड़ा गया। इसके ऊपर काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अररिया जिला और सहरसा जिला में भी महेशी थाना, सहरसा थाना, कनेरिया ओपी तथा सदर थाना में भी उसके ऊपर लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। इसका काफ़ी वहाँ पर वर्चस्व रहा है और मुझे लगता है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद शांति होनी चाहिए। अभियुक्त के पास से 3 देसी कट्टा और 3 और करीब 9 315 बोर की गोलियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी क्रम में कल सदर थाना में एक सूचना मिली कि SDO कोर्ट में कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल चुराने की नीयत से लोग घुसे हैं। सदर थाना अध्यक्ष के द्वारा छापामारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति फरार हुआ। एक को खदेड़ करके पकड़ा गया, जिसका नाम मन्नू कुमार है, और उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जो कि चोरी की थी। पूछताछ के बाद उसके घर पे भी जाकर के जब छापामारी की गई तो वहाँ पर भी एक और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसी क्रम में कल रात्रि में सदर थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान पटुहा में मिथिलेश कुमार के पास से एक देसी कट्टा और एक 315 बोर की जिंदा गोली बरामद की गई है। इसके अलावा सदर थानाध्यक्ष ने भी गुप्त सूचना पर अनुमंडल कार्यालय परिसर में छापेमारी की। एक अपराधी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, वहीं मोनू चोरी की गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि सदर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान पटुआहा के पास एक अपराधी को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत की रिपोर्ट।